राजधानी शिमला के गेटी सभागार में मौली संस्था द्वारा क्राफ्ट वर्क और चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में चित्रकला के माध्यम से जीवंतता को दिखाया गया है, मानो चित्रों में उकेरी गई कला अभी सामने आ जाए। वहीं क्राफ्ट वर्क के माध्यम से विशेष कौशल को दिखाया गया है। गौर हो कि शिल्पकारी एक व्यवसाय है जिसमें विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। हिन्दी में इसे हस्तकौशल, शिल्प कारीगरी, शिल्प दस्तकारी भी कहते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में छोटे स्तर पर हाथ से सामान बनाने वाले लोगों को शिल्पकार कहते थे। वहीं मौली ऑर्गेनाइजेशन के आयोजक प्रांशु ने संस्था के बारे में जानकारी दी और बताया कि उनके द्वारा देश के विभिन्न मंचों पर आर्ट, क्राफ्ट व चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। वहीं शिमला में पहली मर्तबा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि प्रदर्शनी को लोगों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में लोगों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। मैं क्राफ्ट वर्क करती हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया में अपने एग्जीबिशन्स लगा चुकी हूँ पहले भी। ये शिमला में मेरी पहली एग्जीबिशन है क्योंकि मुझे क्राफ्ट वर्क को और आगे लेके आना था। यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पर क्राफ्ट वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे, बट जैसे आज हमारा एग्जीबिशन था तो लोग काफ़ी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं कि हमें पेंटिंग से ज़्यादा भी क्राफ्ट वर्क ऐसा काम चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ कुछ 5 लोग जुड़े हैं जिनका क्राफ्ट वर्क और पेंटिंग में है यहाँ पे हिस्सा, तो होपफुली सबका काम अच्छा जाए यहाँ पर और हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिले।